सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन अभी हम पढ़ेंगे, कैसे एक आदमी या एक इंसेक्ट या किसी का भी सेक्स कैसे डिटरमाइन हो सकता है। तो अभी पहले क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स इंसेक्ट के ऊपर किया था सेक्स डिटर्मिनेशन स्टडी करने के लिए। इसलिए इनिशियली एक्सपेरिमेंट्स वे डन ऑन इंसेक्ट्स टू स्टडी दिस। नेक्स्ट, एक्स बॉडी ऑफ हेनकिंग। एक्स बॉडी ऑफ हेनकिंग माने क्या है, हेनकिंग एक साइंटिस्ट है, इसने ही एक्स बॉडी को फाइंड आउट किया था। इसलिए दिस इज द एक्स क्रोमोजोम, ये कुछ भी नहीं, एक्स क्रोमोजोम को ही एक्स बॉडी ऑफ हेनकिंग बोलते हैं। तो क्या हुआ, जब हेनकिंग एक्सपेरिमेंट इंसेक्ट के ऊपर कर रहा था, उसने ये ऑब्जर्व किया कि he observed during spermatogenesis half sperms got this and the other half did not। spermatogenesis के टाइम में आधा स्पर्म्स को ये एक्स वाला क्रोमोसोम मिला था, एक्स बॉडी मिला था, पर आधा स्पर्म्स को मिला नहीं था। तो स्पर्मेटोजेनेसिस माने क्या है, ये इसका मतलब है स्पर्म्स को बनाना। जब मेल बॉडी जो रहता है आदमी का बॉडी, जब स्पर्म्स को एक प्रोसेस से बनाते हैं तो वो प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसमें जब स्पर्म्स बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ओवम एक ही बनता है फीमेल्स में, जब बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं उसमें 50% को ये वाला एक्स मिला और 50% को ये वाला एक्स नहीं मिला। अब नेक्स्ट, those sperms which fertilized ovum, those sperms having eggs which fertilized ovum became female insects। वो जो 50% sperms के पास जो eggs था, वो sperms आके अगर female ovum को fertilize, कौन सा भी एक sperm हो ovum को fertilize किया, तो क्या होगा, वो resultant female insect आ गया। अगर those sperms which did not have eggs, अगर ये लोग आके ओवम को फर्टिलाइज किया, तो क्या हो गया, तब मेल हुआ और मेल इंसेक्ट एक्स ओ टाइप को सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया उसका। तो ये मालूम पड़ गया। एक और बात मैं बोलती हूँ, एक और बार, जो भी स्पर्म्स के पास एक्स बॉडी था, अगर वो आके ओवम को फर्टिलाइज किया तो वो क्या हो गया, फीमेल इंसेक्ट। और जो भी स्पर्म्स जिसके पास एक्स नहीं था, अगर एक आके ओवम को फर्टिलाइज किया तो क्या हो गया, वो मेल इंसेक्ट। और ये ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं हम, एक्सो टाइप। सो जो भी क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। बाकी सभी क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में पहले हम एक्सओ टाइप देखेंगे। तो एक्सओ टाइप, दिस इज सीन इन ग्रास हॉपर एंड द अदर इंसेक्ट्स। कहां देखते हैं ऐसे वाला टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, अभी हमने देखा नहीं वही, तो इसको ग्रास हॉपर या अदर इंसेक्ट्स में देखते हैं, पर ड्रोसोफिलिया जो इंसेक्ट है ना, उसमें ये नहीं देखते हैं। नेक्स्ट, एक्सो, अगर ये इंसेक्ट्स में एक्स और ओ है तो इट इज अ मेल इंसेक्ट, अगर वो इंसेक्ट्स में एक्स और एक्स है तो इट इज अ फीमेल इंसेक्ट। और ड्रोसोफिलिया के बारे में आपको सभी पॉइंट्स मालूम होने का बुक में 2-4 पॉइंट्स दिया है। मैं सजेस्ट करती हूँ आप इंटरनेट से भी पॉइंट्स कलेक्ट करो, क्योंकि एमसीक्यू ड्रोसोफिलिया में भी पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में बनाया है ड्रोसोफिलिया के लिए ही अलग वीडियो, वो देख सकते हो आप। नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, एक्स वाई टाइप है। ये कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ह्यूमंस में देख सकते हैं, ड्रोसोफिलिया इंसेक्ट में भी देख सकते हैं। एक्स वाई माने क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है जब सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई हो जाएगा, वो ह्यूमन मेल हो जाएगा या ड्रोसोफिलिया मेल हो जाएगा। अगर एक्स एक्स है तो वो ह्यूमन फीमेल हो जाएगा या ड्रोसोफिलिया फीमेल हो जाएगा। माने एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा, लड़का, और एक्स एक्स है तो लड़की, बस ड्रोसोफिलिया में भी और ह्यूमंस में भी। जब तो आप देख सकते हो, अगर ये फीमेल, अगर ये औरत है तो इसका दोनों एक्स क्या है, सेम है, सेम, तो ये होमोजाइगस है, दोनों अलीली सेम है। अगर ह्यूमन मेल है तो देखो दोनों अलीली डिफरेंट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं ह्यूमंस और ड्रोसोफिलिया को, मेल हेटेरोगैमिटी, क्योंकि क्या है, दोनों अलील डिफरेंट है।
मालूम हो गया मेल हेटेरोगैमेटी माने क्या है, ह्यूमन मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स में दोनों अलीली डिफरेंट है, एक एक्स है एक वाई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेल हेटेरोगैमेटी बोलते हैं। अभी हम जाएंगे ये बर्ड्स में जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, जेड डब्ल्यू टाइप। इसको कहाँ देखते हो, दिस इज सीन इन बर्ड्स लाइक हेन, और यहाँ पे देखो उल्टा है हमसे, जेड डब्ल्यू है तो ये फीमेल बर्ड हो जाएगा, अगर जेड जेड है तो ये मेल बर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, मेल में क्या है, दोनों अलीली सेम है, होमोजाइगस है ये, लेकिन फीमेल में देखो क्या है, ये क्या है, होमोगैमेटी बोलने का, सॉरी होमोजाइगस नहीं, होमोगैमेटी बोलने का। और ये जेड है ये डब्ल्यू है, दोनों अलीली डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल हेटेरोगैमेटी। तो फीमेल हेटेरोगैमेटी कहाँ देखते हैं, बर्ड्स लाइक हैं, जहां पे सेक्स क्रोमोजोम्स में दोनों अलील डिफरेंट है। नेक्स्ट, द क्रोमोजोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स बोलते हैं, और बाकी सभी क्रोमोजोम्स हमारे बॉडी में क्या बोलते हैं, उनको ऑटोजोम्स बोलते हैं। तो ह्यूमंस में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स रहते हैं और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम रहते हैं। तो इससे हमें क्या मालूम होता है, ओनली वन पेयर इन ह्यूमंस इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, ऑल अदर क्रोमोजोम्स वो 22 पेयर्स और सेम इन बोथ सेक्सेस। इसका मतलब है एक ही पेयर, वो जो सेक्स क्रोमोजोम्स है ना, वो एक ही पेयर ह्यूमंस में डिफरेंट रहता है, बाकी सभी क्या रहता है, बाकी सभी क्रोमोजोम्स जो 22 पेयर्स है जिनको ऑटोजोम्स बोलते हैं, वो सभी ह्यूमन मेल और फीमेल में सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड। तो अभी क्या है, आपको मालूम है समाज में क्या बोलते हैं, अगर लड़की पैदा हुआ तो वो माँ का ही, माँ की वजह से लड़की पैदा हुआ, ऐसे बोलते हैं। तो हमें क्या इससे क्लियर मालूम हो जाता है कैसे लड़की या लड़का पैदा होता है। तो पहले ये मैंने चिन्ह डाला है, सो इसका आंसर पहले बोलती हूँ, द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पर्म विल डिटरमाइन द ह्यूमन चाइल्ड। इसका मतलब है वो स्पर्म का जेनेटिक मेकअप क्या है, वो स्पर्म में एक्स है तो हमें लड़की पैदा हो जाएगा, वो स्पर्म में वाई है तो लड़का पैदा हो जाएगा। तो कौन डिटरमाइन करता है, स्पर्म डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे फीमेल का रोल नहीं है, मेल का ही रोल होता है। तो अभी देख लीजिए आप, ये फीमेल है ये मेल है, सेक्स क्रोमोजोम्स एक्स एक्स है और यहाँ पे एक्स वाई है, ये गैमेट्स हाफ गैमेट्स को एक्स, हाफ गैमेट्स को एक्स, यहाँ पे हाफ स्पर्म्स को एक्स और हाफ स्पर्म्स को वाई। और यहाँ पे करेक्ट करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि हर टाइम फीमेल हर महीने जब भी उसका पीरियड होता है, यूजुअली एक ही ओवम रिलीज होता है, गैमेट एक ही रिलीज होता है, बहुत यूजुअली एक ही, पर कुछ लोगों में दो भी रिलीज हो सकता है, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स में एक ही ओवम एक ही गैमेट हर मेनिस्ट्रुअल साइकिल को रिलीज होता है। पर स्पर्म्स में ऐसा नहीं, बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है, तब हाफ ऑफ द स्पर्म्स को एक्स क्रोमोजोम मिलता है और हाफ ऑफ द स्पर्म्स को वाई क्रोमोजोम मिलता है। ये ओवम है, ये ओवम है और ये जो है ये स्पर्म्स है। तो अभी क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओवम के साथ इतने स्पर्म्स होके अटैक हुए हैं। तो ये स्पर्म एक्स सोचो, ये स्पर्म वाई सोचो, ये स्पर्म एक्स, ये स्पर्म वाई, ये स्पर्म एक्स, ये स्पर्म वाई, ऐसे मालूम नहीं इसमें से कौन सा भी ओवम के अंदर जा सकता है, एक्स भी जा सकता है वाई भी जा सकता है। अगर इफ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोजोम हैज फ्यूज्ड देन रिजल्टिंग इज फीमेल जाइगोट। अगर ये स्पर्म एक्स क्रोमोजोम फ्यूज हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जाइगोट फीमेल, और फीमेल जाइगोट से क्या मिलेगा, फीमेल चाइल्ड मिलेगा। इफ द स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोजोम हैज फ्यूज्ड विद द ओवम देन रिजल्टिंग इज मेल जाइगोट और अ मेल चाइल्ड। अगर ये जो स्पर्म है ये वाई
क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और उसने ये ओवम को फर्टिलाइज किया तो ये क्या हो जाएगा, मेल जाइगोट होके ये मेल चाइल्ड देगा. सो सेक्स डिटर्मिनेशन मेनली कौन डिटरमाइन करता है, स्पर्म, वो एक्स कैरी कर रहा है या वाई, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ये बहुत ही अलग है. ह्यूमंस में कैसे रहता है, अगर एक्स है, एक्स एक्स आया तो फीमेल बोलते हैं और एक्स वाई आया तो मेल बोलते हैं. हेन में भी देखा हमने, जेड जेड आया तो मेल है, जेड डब्ल्यू आया तो फीमेल है. ड्रोसोफिलिया में भी देखा, ग्रास हॉपर में भी देखा. पर यहाँ पे क्या है, ये इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स द प्रोगिनी रिसीव्स. माने ये इट डिपेंड्स ओनली, ये कहा सेक्स कैसे पता करते हैं हनी बी में, उसके सेल में कितना क्रोमोसोम है, इसके ऊपर उसका सेक्स पता लगता है. तो यहाँ पे क्या है, क्वीन बी जो रहता है, क्वीन हनी बी, वो फीमेल रहता है, उसके पास 32 क्रोमोसोम्स रहते हैं. वर्कर्स जो रहते हैं वो भी फीमेल्स रहते हैं, उनके पास भी 32 क्रोमोसोम्स रहता है. मेल्स को ड्रोन्स बोलते हैं, उनके पास 16 क्रोमोसोम्स रहता है. तो क्या हो गया, जो भी हनी बी के पास 32 क्रोमोसोम्स है वो फीमेल बन जाता है, और जो भी हनी बी के पास 16 क्रोमोसोम्स है वो मेल बन जाता है. तो अ मेल हनी बी कैन नेवर बी, एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने का, अ मेल हनी बी कैन नेवर बी अ फादर बट कैन बी अ ग्रैंड फादर टू द सन. क्या है, एक मेल हनी बी कभी भी बेटों का पिता नहीं बन सकता, पर वो बेटों का ग्रैंडफादर बन सकता है. वो बेटों का वो क्या हो सकता है, वो ग्रैंडफादर बन सकता है, नाना बन सकता है, पर अपने बेटों का पिता कभी नहीं बन सकता. ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम में बाद में. नेक्स्ट, तो द हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप इज सीन हियर. तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड. ह्यूमंस में क्या था, एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप. ग्रास हॉपर में क्या था, एक्स ओ सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप या एक्स जीरो. और इसमें क्या था, हेंस में क्या था, जेड डब्ल्यू सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप था. तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप क्या है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप. एक और अलग बात दूसरों से क्या है, हियर मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस. यहाँ पे जो मेल्स है ड्रोन्स, वो सेक्स क्रोमोसोम्स माने क्या है, गैमिट्स, गैमिट्स को वो माइटोसिस से प्रोड्यूस करते हैं. क्योंकि हम देखा कि अगर ह्यूमंस में जाओ आप, ह्यूमंस में क्या हो जाता है, मेल ह्यूमंस स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद गैमेट्स में आधा ही नंबर रहता है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन मेल्स के बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं हर सेल में, पर गैमेट में कितना रहता है, 23 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं गैमेट में. पर क्यों, वो मियोसिस होके, मियोसिस माने क्या, वो हाफ कर देता है क्रोमोसोम नंबर को. पर जब, पर इन में क्या हो गया, ऑलरेडी इनके मेल्स में हाफ क्रोमोसोम्स ही है, फिर ये लोग मियोसिस अंडरगो हो जाएंगे तो 8 क्रोमोसोम्स हो जाएगा उनको. इसलिए ये लोग माइटोसिस होके होने के बाद अपना स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनमें 16 क्रोमोसोम्स रहे. तो अभी हम डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपको इजी हो जाएगा ये समझने में. हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स सिस्टम, और कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये सेक्स सिस्टम, हम इसको एंट्स में देख सकते हैं, एंट्स, वास्प्स में, कुछ वास्प्स में देख सकते हैं. एंट्स में भी क्वीन एंट रहता है, तो वहां पे भी ऐसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम देख सकते हैं. तो मैंने ड्रॉ किया है, ये कौन है, ये क्वीन हनी बी है. इसके पास कितना क्रोमोसोम्स है, 32 क्रोमोसोम्स है. अभी ये क्या कर रही है, वो मियोसिस अंडरगो होके गैमेट्स दे रही है. ये वाला में 16, ये वाला में 16 गैमेट्स दिया. अभी एक जो दिया है उसने, वो पार्थिनोजेनेसिस होता है. पार्थिनोजेनेसिस कहाँ पड़ते हैं, प्लांट्स में. विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, बेबी को आना, विदाउट फर्टिलाइजेशन
बर्थ हो जाना, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस होके क्या हो गया, ये ऐसे ही डायरेक्ट मेल डेवलप हो गया, मेल भी है ये ड्रोन भी कहते हैं। अभी ये मेल क्या करने का, स्पर्मेटोजेनेसिस करके गैमेट प्रोड्यूस करने का, तो वो कौन सा यूज करता है, माइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी एमसीक्यू ही है। माइटोसिस होके वो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें भी 16 ही रहते हैं क्रोमोसोम्स, और माइटोसिस होने के बाद भी 16, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होता। अभी क्या होता है, ये जो क्वीन है ये न्यूपिटल फ्लाइट लेता है, उसका मतलब क्या है, वो अपने नेस्ट में ही ये मेल से संबंध नहीं रखता, वो फ्लाई करता है, नेस्ट से दूर जाता है, तब ये मेल से वो संबंध रखता है। वो संबंध रखने के बाद ये मेल से ये क्वीन सभी स्पर्म्स कलेक्ट करके अपना स्पर्मेटिक रिसेप्टिकल एक रहता है उसके पास, तो उसमें रख के अपने नेस्ट को जाता है, फिर वो एग्स ले करता है, ये वाला जो है ना एग्स ले करता है, यही यही वाला उसके ऊपर स्पर्म्स को छोड़ता है, तब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट होके कुछ बहुत सारे बीस हो जाते हैं, उसमें एक बी क्वीन भी हो जाते हैं, हो जाती है, और बाकी सभी वर्कर भी हो जाते हैं। पर ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, इसमें कितना क्रोमोसोम्स आया, 32, इसमें भी कितना आया, 32 हो गया। तो आप देख सकते हो ये मेल कभी, ये दोनों बेटियों का बाप बन सकता है, ये दोनों बेटियों का पिता बन सकता है, इसको कभी भी बेटे पैदा नहीं होता। अभी ये क्वीन का क्या करेगी, अभी ये क्वीन जब बड़ा हो जाएगा, ये मियोसिस होके फिर गैमेट्स ऐसे देगी, जब ये गैमेट्स ऐसे दिया, फिर वही ये एक वाला क्या हो जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस होके कुछ गैमेट्स मेल हो जाएंगे, और मेल हो जाएंगे, और फिर यही शुरू हो जाता है माइटोसिस होके, फिर ये वाला गैमेट्स देता है, फिर मैंने ऊपर क्या दिखाया वैसे ही शुरू हो जाता है। पर ये जो है मेल, और ये मेल का रिलेशन क्या हो गया बोलो आप, ये मेल और ये मेल का रिलेशन क्या हो गया, ये मेल इसका नाना हो गया, तो ग्रैंडफादर हो गया, तो ये मेल ग्रैंडफादर बन सकता है बेटों के लिए, बट कभी भी बेटों के लिए फादर नहीं बन सकता है। सो ऐसे वाला हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम हम और कहाँ देख सकते हैं, एंड सौर वैस्प्स में भी देख सकते हैं।